अस्सलाम वालेकुम, अज़हर इकबाल, सीईओ मिलिट्री स्टेट डिफेंस लाहौर। हम गुज़श्ता 15 साल से इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से काम कर रहे हैं। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो उन दिनों में ये समझा जाता था कि शायद ये एक फील्ड ऐसे लोगों का है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टाफ है, सब पढ़े लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एजुकेशन के बाद हमने इस फील्ड को ज्वाइन किया ताकि जो एक ट्रेडिशनल इसमें स्टाइल चल रहा है डीलिंग का, उससे हट के हम एक नई जिद्दत के साथ इस काम को करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को जिद्दत से और प्रोफेशनली पढ़े लिखे अंदाज में कर रहे हैं। हमारा मेजर जो डीलिंग कंसर्न्स हैं वो DHAs के साथ हैं, वो DHA ऑल ओवर द पाकिस्तान, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी आर सिटिंग ओवर हेयर इन DHA लाहौर, तो ज़्यादा जो हमारा एम्फसाइज है वो DHA लाहौर पे ही है। DHA लाहौर के तमाम सेक्टर्स को हम देख रहे हैं, वो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हों, या ओपन प्लाट्स हों, या इवन ओपन फाइल्स हों। फाइल मीन्स प्लाट विदाउट अ प्लाट नंबर। जो फाइल का कॉन्सेप्ट बेसिकली आमतौर पे लोगों के जहन में आता है DHA से बाहर, वो ये है कि शायद फाइल कोई ऐसी चीज़ है कि जो लैंड तो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी आपको एक पीस ऑफ पेपर दे दिया गया और लेटर ऑन डेवलपर जो है वो लैंड एक्वायर करेगा और फिर आपको वहाँ प्लॉट बना के देगा। मेरे पास इस टाइम मिलिट्री इस्टेट में हम तकरीबन 12 से 15 लोग काम कर रहे हैं और हर बंदा मुख्तलिफ एक अपने सेक्टर में प्रोफेशनली उसको देख रहा है। लाइक फेज़ 8 में जो है वो एक सेपरेट टीम है जो काम कर रही है। फेज़ 8 में जो IVY ग्रीन एक इसका नया ब्लॉक है, जेड ब्लॉक भी जिसको कहते हैं, उसके लिए सेपरेट टीम है। फेज़ 7 के लिए सेपरेट लोग हैं, हाउसिंग की सेल के लिए अलहदा से लोग हैं। तो हमने इस तरह से इसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है ताकि हम हर फेज़ और हर सेक्टर को सेपरेटली देख सकें और अपनी आउटपुट जो है उसको भी जज कर सकें कि किस सेक्टर से हम क्या अर्न कर रहे हैं और किस सेक्टर में हम कितना काम कर रहे हैं। हम मिलिट्री स्टेट के प्लेटफॉर्म से 2013 से काम कर रहे हैं, बट हम उससे पहले से रजिस्टर्ड थे। FBR के पास हम 2007 से रजिस्टर्ड हैं और DHA से हम 2013 से रजिस्टर्ड हैं। हम इसके अलावा स्टेट सोल्जर्स और बिलीनियर प्रॉपर्टीज़ के नाम से भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के वाले से देखिए, मेरी दोनों लोगों से जो लोकली यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो ओवरसीज़ हैं, दोनों से ये गुजारिश है कि देखें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे मेजर कंसर्न हमारा ये होता है कि हमारी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन का आंसर शामिल होना चाहिए। प्राइस का राइज़ या लॉस जो है वो तो देखें हर कारोबार में होता है और सेम इज़ विद द रियल इस्टेट। तो देखें, रिक्वेस्ट ये है कि इनिशियली तो कोई भी बंदा अगर आपको एक पिक्टोरियल विज़िट करवा के वो ऑनलाइन आपको कुछ चीज़ें दिखा सकता है और बेच सकता है, लेकिन देखें आप जब इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ बाय करते हो तो आपका जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि आफ्टर 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है तो उस टाइम डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है। तो आई वुड प्रेफर एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस किस्म का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप DHA को ज़रूर कंसिडर करें और DHA में ही इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप जो है सेफ़ एंड सिक्योर रहें। इसमें हमारा जो मेजर कंसर्न और हमारा जो मेजर क्लाइंटेज हमारी है वो DHA से रिलेटेड है। और अब जैसे जैसे देखें टाइम गुजरता जा रहा है, क्योंकि DHA में भी सैचुरेशन आती जा रही है और ओवरक्राउडेड होता जा रहा है, रोड्स जो हैं वो हर टाइम हमें फुली लोडेड लगते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स एंड इन द ऑफिस क्लोजिंग आवर्स। तो देखिए, इस चीज़ को देखते हुए और लोग चूँकि सोचते हैं इस बारे में कि यार हम वीकेंड जो है वो इतने दूर तो नहीं, शायद मरी या इन सराउंडिंग में तो नहीं जा सकते, लेकिन अपना कोई फार्म हाउस बना के वहाँ बच्चों के साथ इंजॉय करें जहाँ थोड़ा ओपन एटमॉस्फेयर हो, तो इस चीज़ को देखते हुए हमने फार्म हाउसेज भी साथ स्टार्ट किए। और हमने इसके लिए हमने बरकी रोड को सिलेक्ट किया क्योंकि बेदियाँ रोड जो है वो शुरू में था, लेकिन अब वहाँ बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है कि और आपको ये ओपननेस नज़र नहीं आती जो आपको फार्म हाउस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो हम गुज़श्ता 2 साल से बरकी रोड पे फार्मर्स के नाम से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। फार्मर्स 1 हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, फुली डेवलप्ड है, लोग रह रहे हैं और आई कैन गारंटी यू कि इसके लेवल की डेवलपमेंट और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपको इसके अलावा नहीं मिलेगा। अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है फार्मर्स 2, जिसको आपको हम एक 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट प्लान भी देंगे और विद इन इंशाल्लाह 3 to 4 months हम उसका पोजेशन दे देंगे। रोड्स बन रहे हैं, आप एनी टाइम विज़िट कर सकते हैं। Zameen.com के साथ हमने ये स्टार्ट किया था बैक इन 2003-04 रियल स्टेट का काम, तो देखिए उस टाइम तक लोगों का एक्सपोजर ही नहीं था कि इंटरनेट के थ्रू भी हम सेलिंग कर सकते हैं। बट ज़मीन जब आया इस फील्ड में तो हम ज़मीन के साथ 2007 से काम कर रहे हैं, तो ज़मीन ने जितना लोगों का विजन ब्रॉड किया है, लोगों को सेंस दिया कि आप घर में बैठे अपने मीन्स इवन लेइंग ऑन योर बेड आप सेलिंग बाइंग कर सकते हैं, मैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि देखें, वो क्लास जो कमिटेड है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते या वो रियल इस्टेट एजेंट्स को विज़िट नहीं कर सकते, वो घर बैठे इनके थ्रू काम कर सकते हैं।
एंड दे आर डूइंग वेरी प्रोफेशनली। आई होप कि ये इसको इम्प्रूव करेंगे। इसी में हम सब का, आपका, हमारा और इन सब का बेनिफिट है। विश देम गुड लक एंड विश यू ऑल गुड लक।